हेलो एवरीवन मेरा नाम अश्मिता है और आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स और ये ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का क्वेश्चन पेपर है यहाँ से हमने क्वेश्चन चूज किए हैं इकोनॉमिक्स के और आज का जो क्वेश्चन है वो है परफेक्ट कंपटीशन इज इनकॉम्पेटिबल विथ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इस ये ये स्टेटमेंट जो है इसको हमें एक्सप्लेन करना है तो बेसिकली ये क्या है स्टेटमेंट दैट परफेक्ट कंपटीशन इज जनरली एक्यूरेट ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है इसे हमें एक्सप्लेन करना है तो पहले हमें वैलिडिटी प्रूफ करना है कि क्या ये सच है या फिर झूठ है तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सच है ऐसे ही हमें आंसर स्टार्ट करना पड़ेगा ट कम्पिटिशन एंड इनक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल रिप्रेजेंट टू डिस्टिंग ये जो फर्स्ट वाला वर्ड मेन्शन किया गया है ये और इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट को दर्शाता है मार्केट स्ट्रक्चर्स को दर्शाता है दैट हैिस्टिक्स एंड एजाम्शंस पहला जो चीज हम कंसिडर uh, करेंगे वो है परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट देर आर सेवरल की एजामशंस परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में बहुत सारे स्मॉल फर्म्स हैं, एक लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं मतलब बहुत सारे फर्म्स होते हैं एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में ईच प्रोड्यूसिंग अ नेग्लिजिबल फ्रैक्शन ऑफ द टोटल आउटपुट क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे फर्म्स होते हैं तो इसलिए जो भी आउटपुट होता है ये लोग ये प्रोड्यूस करते हैं वो आउटपुट बहुत ही नेग्लिजिबल फ्रैक्शन में प्रोड्यूस होता है क्योंकि इतने सारे फर्म्स हैं परफेक्ट कंपटीशन में Secondly, homogeneous products, goods या फिर services जो भी produced होता है इन सभी firms से वो बहुत ही identical होता है and consumers perceive no differences between them. Consumers को ज्यादातर कोई difference मिलता ही नहीं है यहाँ के product से Thirdly, price takers, firms are price takers meaning that they accept the market determined price फॉर देयर आउटपुट एंड हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन इट क्योंकि बहुत ज्यादातर यहाँ पे फर्म्स होते हैं तो जो भी प्राइस यहाँ पे ऑलरेडी बाकी सभी फर्म्स ने अम सोच के रखा है जो भी डिटवाइन किया गया है उसी को लेके चलना पड़ता है कोई खुद का इंफ्लुएंस नहीं है ये प्राइस टेकर है फ्री एंट्री एंड एग्जिट फर्म्स कैन एंटर और एग्जिट द मार्केट विदाउट बैरियर्स यहाँ पे फर्म्स एंट्री भी कर सकते हैं और एग्जिट भी कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ बैरियर्स सेकेंडली इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल होता है जब फर्म का जो आउटपुट है वो इंक्रीज होता है मतलब बढ़ता है प्रोपोर्शनली मोर दैन इट्स इनपुट्स जैसे कि अगर आपका इनपुट कुछ और है और आउटपुट ज्यादा है उससे तो उसको ही रिटर्न इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल कहेंगे जैसे कि लेबर और कैपिटल

पहला है होमोजिनस प्रोडक्ट्स परफेक्ट कंपटीशन में फर्म्स बहुत ही आइडेंटिकल गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यही अभी हमने डिस्कस किए हैं इफ देयर आर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल तब एक लार्जर फर्म वुड बी एबल टू प्रोड्यूस एट लोअर एवरेज कॉस्ट्स दैन द स्मॉलर फर्म्स तब एक लार्ज फर्म लोअर एवरेज कॉस्ट्स में Uh, चीजें प्रोड्यूस करेंगे देन दी स्मॉलर फर्म्स हाउएवर इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑल फर्म्स प्रोड्यूस एट द सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी लेकिन एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में सभी फर्म्स सेम लेवल ऑफ एफिशिएंसी से ही प्रोड्यूस करते हैं एंड यहाँ पे कोई जगह नहीं है फॉर डिफरेंशिएशन बेस्ड ऑन स्केल नेक्स्ट है प्राइस टेकिंग बिहेवियर फर्म्स जो बिलोंग करते हैं परफेक्ट कंपटीशन में वो प्राइस टेकर्स होते हैं मीनिंग दैट दे टेक द मार्केट प्राइस एज गिवन जितना मार्केट प्राइस होता है उतना ही वो लोग एक्सेप्ट करते हैं दे हैव नो इन्फ्लुएंस ऑन द प्राइस एंड दैट दे मस्ट एक्सेप्ट इट यहां पे जो फर्म है इफ अ फर्म वेयर टू एक्सपीरियंस इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल एंड लोअर इट्स कॉस्ट देन इट वुड लाइकली टू अटेम्प टू अंडरकट द कम्पिटिटर्स बाई लोअरिंग इट्स प्राइस लेकिन जो भी यहाँ पे फर्म्स हैं सभी फर्म्स जो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में हैं वो सेम मार्केट डिटर्माइन प्राइस पे डिपेंड करते हैं कोई खुद का इंफ्लुएंस नहीं है एंड एनी अटेम्प्टेविट फ्राम इट वुड रिजल्ट इन लॉस ऑफ द मार्केट शेयर अगर वो कभी भी कहीं पे भी डेविएट करना चाहते हैं प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं तो उनका खुद का ही लॉस रहेगा नो मार्केट पावर परफेक्टली कम्पिटिटिव फर्म्स में कोई मार्केट पावर नहीं होता है एंड कोई इसको एंड को, कोई इस मार्केट स्ट्रक्चर को डोमिनेट नहीं कर सकता है ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल वुड एम्प्लाई दैट लार्जर फर्म्स कैन प्रोड्यूस मोर इफिशेंटली तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स जो स्केल में हम ये देख सकते हैं कि जो लार्जर फर्म्स है वो ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सकते हैं पोटेंशियली लीडिंग टू मार्केट डोमिनेंस इससे मार्केट डोमिनेंस हो सकता है हाउ एवर पर एबिलिटी टू डोमिनेट द मार्केट लेकिन परफेक्ट कॉम्पिटिशन कहता है कि, को, कि कोई कि, किसी भी फर्म में वो एबिलिटी नहीं है कि वो मार्केट को डोमिनेट कर सके एज एंट्री एंड एग्जिट आर फ्री क्योंकि यहाँ पे एंट्री और एग्जिट जो है वो बिल्कुल फ्री है एंड कोई एंड सभी फर्म्स जो है तो दे आर ऑल स्मॉल रिलेटिव टू द मार्केट क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ऐसे फर्म्स uh, है तो बिल्कुल ही uh, कम पोजिशन ले, लेते हैं ये सभी इतने सारे, सारे इतने सारे फर्म्स फ्री एंट्री और एग्जिट पे चर्चा करेंगे इन परफेक्ट कंपटीशन द एग्जामशन ऑफ फ्री एंट्री एंड एग्जिट इम्प्लाइज दैट न्यू फर्म्स कैन इजीली एंटर द मार्केट टू कम्पीट क्योंकि यहाँ इसको हम परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे न्यू फर्म्स आ सकते हैं जा सकते हैं अगर टिक जाए तो सही बात है नहीं तो Uh, वो uh, खुद ही खुद ब खुद ही भाग जाएंगे मार्केट से सो इफ देअर वेयर इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल लार्जर मोर एफिशियंट फर्म्स माई ड्राइव स्मॉलर फर्म्स आउट ऑफ द मार्केट जैसे कि मैंने कहा है कि लार्जर फर्म्स अगर ज्यादा एफिशियंटली काम करेंगे तो स्मॉलर फर्म्स को हटा भी सकते हैं मार्केट से हाउ एवर इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट न्यू फर्म्स कैन एंटर विदाउट फेसिंग सिग्निफिकेंट बैरियर्स प्रिवेंटिंग एनी वन फर्म फ्राम अचीविंग लॉन्ग टर्म डोमिनेंस तो कोई भी आ सकता है कोई भी जा सकता है बाकी तो जितने देर तक वो डोम डौमिन, डोमिनेट कर पाएगा वो कर सकता है तो समराइज करके हम ये कह सकते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो जनरली इनकॉन्सिस्टेंट होता है विद इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्योंकि जो एजशन है परफेक्ट कंपटीशन के जैसे कि होमोजेनस प्रोडक्ट्स होते हैं एक ही टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं प्राइस टेकिंग बिहेवियर जो है प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है एंड द एबसेंस ऑफ मार्केट पावर ये जो कॉन्फ्लिक्ट है विथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल ये सजेस्ट करते हैं कि जो लार्जर फर्म्स हैं, दे कैन प्रोड्यूस एट लोअर एवरेज कॉस्ट तो ये दो मार्केट स्ट्रक्चर जो है ये रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट आइडियालाइज सीनारियोज को और उनके को एक्जिस्टेंस को जो अनलाइकली हैं, सेम इंडस्ट्री में जो एग्जिस्ट करते हैं तो अगर आप ऐसे डिस्कशंस करना चाहते हैं मेरे साथ लाइव क्लासेस में तो आप हमारे क्लासेस में ज्वाइन करना ज्वाइन कर सकते हैं सभी डिटेल्स नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल दी एंड कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो या फिर कोई भी गवर्नमेंट जॉब का प्रपरेशन हो हम uh, यहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल्स और लाइव क्लासेस प्रोवाइड करते हैं तो इसके लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में uh, जाके चेक कीजिए